आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान। नाजरीन, स्पीकर सूबाई असेंबली मुश्ताक अहमद गनी ने यूनियन काउंसिल क्याल अर्बन के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान। 1,98,00,000 की लागत। पहले क्याल चौक एबटाबाद में उन्होंने क्याल अपर क्याल के लिए 1,38,00,000 रुपए का पैकेज दिया, जिसमें सीढ़ियां और गलियां पुख्ता की जाएंगी और पंप मशीन भी लगाई जाएगी। इसके साथ फिर सीना लेबॉरेटरी चौक करबला चौक में उन्होंने वार्ड नंबर 14-15 खोला क्याल के लिए हुजरी की लागत और फिर उसके साथ वार्ड नंबर 14-15 के कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए 60,00,000 की लागत का ऐलान किया। इस तरह टोटल उन्होंने 1,98,00,000 रुपए का पैकेज क्याल अर्बन को दिया, जिसकी क्याल अर्बन की आवाम मुश्ताक अहमद गनी साहब की नहायत ही मशहूर है। जितने तरक्याती काम मुश्ताक अहमद गनी साहब ने अपने दौर हुकूमत में किए हैं, उनके मुखालिफ फरीकों ने अपने दौर में 5% भी इसके मुकाबले काम नहीं किए। मुश्ताक अहमद गनी इसी तरह तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह इससे पूरी इंसानियत को महफूज करें, लेकिन अपने तौर पर हम सब ने कोशिश करनी है कि जो हुकूमत की हिदायत है उस पर हम अमल करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सीना लिबर्टी जाएंगे। देखिए, तहरीक इंसाफ ने अपने जरसे भी मंसूख कर दिए हैं और बहुत बड़ी गैदरिंग में यही खतरा है कि उसमें लोगों को ये बीमारी बढ़ सकती है, और ये अब कोरोना की शिद्दत वो पहले वाली नहीं है, उससे 10 गुना बढ़ चुकी है। इसलिए उन्हें खुद सोचना चाहिए जलसे करने वालों को कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हमने आज जलसा करना था, लेकिन हमने जलसा नहीं किया, सिर्फ चौक में खड़े होकर इफ्तिताह कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा बड़ी गैदरिंग है, आज खुद लोग इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें डिस्टेंस पर रहना चाहिए, हमें करीब एक दूसरे के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत अजारा वन टीवी, हाजी सदीक जहीरावान, कैमरामैन यसीन अवान के साथ।